हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? अ वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड इवनिंग गाइस. दिस इज योर साइंस मेंटर नेहा अष्टवाल एंड सबका स्वागत है वाईफाई 2.0 पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी. और आज हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के एक और नए चैप्टर के बारे में. उससे पहले आप लोग बताइए कि यू कैन हियर मी एंड सी मी प्रॉपरली? आपको ऑडिबल एंड विजिबल है एवरीथिंग? मनोज कुमार, लक्ष्मी, राजमीना, हनुमंत, नीरज, मानिकचंद, जसवीर and Palak Gomti and all the candidate guys, very good evening and very warm good evening to all of you. सब लोग यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, तो एक बार जल्दी से आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा. जल्दी से एक बार शेयर कर दें, शेयर करिए, फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के इस सेशन के तरफ कि आज हम क्या नया कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको मैं आपको क्लासेस के बारे में बताना चाहूँगी. आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के साथ साथ. अनअकैडमी पर आपकी होने वाली जो क्लासेस हैं उसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है. क्लासेस आपकी रहती हैं यहाँ पर 12 बजे, 1 PM एंड 3:30 PM. तो इनमें से आपकी ये 12 बजे वाली क्लास और 3:30 वाली क्लास, फ्रेंड्स, ये फ्री हैं. 1 PM वाली क्लास जो है ये आपका प्लस सेशन चल रहा है, जो कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और RRB के एग्जामिनेशंस के लिए रखा गया है. तो अगर आप फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर अटेंड करके देखें. अनअकैडमी के आपको इंस्टॉल करें, नेहा मैम के नाम से मेरा प्रोफाइल एक बार सर्च करिएगा, फॉलो करना. जैसे ही आप फॉलो करेंगे ना, आपको क्लासेस मिल जाएंगी. जब तक फॉलो नहीं करोगे क्लासेस नहीं मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा. राइट, ओके, चलिए. इसी के साथ आप लोग यहाँ पर कनेक्ट होते हैं डेली मेरे साथ शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर और वीकेंड्स पे वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे. और आज हम बात करने वाले हैं मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. और आज हमारा पार्ट सेकेंड है, ठीक है. 24 सितंबर है, जनरल साइंस हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं. तो पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं, प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका बयोंसी होता है, फ्लोटेशन होता है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, तो ये चीज़ें मैंने आपको कवर कराई थी. आज इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से, तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरी फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड करना है. तो यहाँ पर मेंशन है एकेडमी पर आप लोगों ने जाना है, ऐप इंस्टॉल करना, नेहा मैम के नाम से मेरे प्रोफाइल सर्च करना और मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं. इसी के लिए अगर आपको प्लस का क्लास अटेंड करना है तो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. आप सब्सक्रिप्शन अटेंड कर सकते हैं. इसको इनरोल करने के लिए क्या करना है, कुछ स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं. पहले स्टेप में आप लोग यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप में आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए ओके कर देंगे. देन आपका थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, एंड यहाँ पर आपसे कोड मांगेगा. आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं जो कि YT नेहा कोड है. दिस इज़ माई रेफरल कोड. अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 10%. अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा. कोड मैं आपको फिर रिपीट करके बता दूँ, YT नेहा, कैपिटल्स में. देन आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन. आप इसको एक बार जाकर देख लेना, बाकी आप समझदार हो. ऑल राइट, चलिए, आई एम गुड गाइस. आप बताइए, आप सब लोग बढ़िया हैं? स्टार्ट कर ले फिर आपका सेशन. सबसे पहले कल के होमवर्क के क्वेश्चंस. कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के, ज़्यादा नहीं थे, 3 ही क्वेश्चंस थे. तो कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर मार्क किए हैं और कौन मुझे बताने वाला है? पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया था कि अगर 2 कैपिलरी ट्यूब हैं आपके पास अलग अलग डायामीटर की, फॉर एन एग्जाम्पल, एक कैपिलरी ट्यूब आपके पास है ज़्यादा डायामीटर की और एक आपके पास है कम डायामीटर की, और पूछा गया है इन दोनों को हमने पानी के अंदर डिप किया, पानी के अंदर डुबा दिया, ठीक है, उल्टा करके, तो किसके अंदर पानी का राइज ज़्यादा होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई, इस तरह से हमारे पास बीकर था, इस बीकर में पानी था, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो कंडीशन क्या बन रही है. और इस पानी के अंदर एक आपकी कैपिलरी ये ऐसी उल्टी करी है, ठीक है, कम डायमीटर वाली, दूसरी कैपिलरी है जो ज़्यादा डायमीटर की है, तो क्या आंसर आपका रहेगा? आप लोगों ने मार्क किया है, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी. अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ए मार्क किया है कि मैम ए ठीक हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ए ही ठीक है.
क्या होगा, जो कम रेडियस वाली ट्यूब है, ठीक है, जो आपकी पतली ट्यूब है कम रेडियस वाली, उसके अंदर आपका राइज ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जितना कम एरिया उतना ज्यादा राइज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था यहाँ पर, द कैपिलरी राइज और फॉल इन ट्यूब इज, किसी भी परख नली में या किसी भी केशिका में जो राइज और फॉल होता है ये कैसा होता है, ठीक है, किसके साथ में ये चेंज करेगा। तो ये डायामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर डायामीटर बढ़ेगा तो राइज भी बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या, या फिर ये डायामीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या स्क्वायर रूट के, या स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये था मेरा क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। सेकेंड, ये बताइए सही आंसर क्या लगता है, आप लोगों ने क्या मार्क किया है। रंगा भीम, नितिन, गुड इवनिंग, मुनार्क, ए होगा, अच्छा, पलक, मनोज, मेरी तबीयत अभी ठीक है, थोड़ा सा बेहतर है पहले से, आप बताओ, ऑल गुड, ओके। नीरज, क्वेश्चन देखो मैं कराती हूँ क्विज में, लेकिन इस बार की जो क्विज थी ट्यूजडे की वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे ऐप में क्वेश्चंस अपलोड नहीं हो रहे थे, तो कुछ टेक्निकल इशू था। एंड नीरज, वन थिंग और, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसका आंसर किया है, एक बार आप जाकर जरूर अपने चैट बॉक्स को चेक कर लेना, आपका आंसर वहां पर आपको मिल जाएगा, राइट, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप लोगों ने मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब अगर डायामीटर बढ़ता है तो आपका राइज जो है वो घटेगा, और अगर डायामीटर घटता है तो राइज जो है वो बढ़ेगा, डन, ओके। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से, गाइज आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो आपके होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, यहाँ पर पूछा गया था लीवर के बारे में, निम्न में से कौन सा फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर नहीं है, मतलब पहले प्रकार का लीवर नहीं है निम्न में से, सीसा, सीसा पता है बच्चों का जो झूला होता है जिसमें आपकी पूरी की पूरी इस तरह से एक स्लैब होती है, यहाँ एक बच्चा बैठता है, यहाँ एक बच्चा बैठता है, मिडिल में से कनेक्ट होता है और ये ऐसे झूलता रहता है, ऊपर नीचे बच्चे झूलते रहते हैं, ये सीसा कहलाता है, ठीक है। ये सीजर्स मतलब कैंची, कैंची कैसी होती है भाई, कैंची आपकी इस तरह से होती है, ठीक है, कैंची, क्रोबार या फिर व्हील बैरो। तो क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, बताइए, सभी लोग ट्राई करके मुझे बताइए सबने आंसर क्या लगाया है, ए बी सी या डी। अजय कुमार, गुड इवनिंग, राहिश, सुनील, मानिक चंद, राजकुमार, और ये कौन है, पुनी दरिंदा, ओ गॉड, आप आंसर बताते रहो, ठीक है, साथ साथ आंसर बताते रहो मुझे, आप लोगों ने क्या क्या मार्क किया है। जी देखो, आप लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, इसके लिए सही आंसर आपका रहेगा व्हील बैरो। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो लीवर को लेकर हैं, तो एक काम करेंगे, मैं आपकी क्लास लूंगी, ठीक है, जिसमें आपको मैं लीवर के बारे में बता दूंगी कि लीवर कितने टाइप्स के होते हैं, एंड लीवर का फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, डन, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपके हो गए होमवर्क के क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं आज के नए क्वेश्चंस के बारे में, कि और आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, बोला गया है निम्न में से कौन सा थर्ड काइंड का लीवर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो फिर से लीवर के बारे में पूछा गया है, देखो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए, फोर कैप्स, फोर कैप्स पता है, फिर आपका फायर टंग्स, फायर टंग पता है घरों में जो किचन में यूज होता है, चिमटा जिसे कहते हैं, फायर टंग जैसे आप रोटियां सेकते हो, ठीक है, आर्म ऑफ मैन, तो चिमटा कैसे होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पर आपका फिक्स होता है, होता है फिक्स, आर्म ऑफ मैन भाई इंसान की बाजू कैसी होती है, इस तरीके से करके होती है, यहाँ पर शोल्डर पर फिक्स होती है ना। लेमन स्क्वीजर, लेमन स्क्वीजर कैसा होता है, इस तरह का होता है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसमें स्पेस होता है, आप उसको ऐसे प्रेस कर सकते हो। तो कौन सा थर्ड काइंड का लीवर नहीं होगा, ए बी सी या डी, क्या होगा बताइए आंसर। सरोज, वही मैं कह रही हूँ जैसे अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा, कुछ लोगों को लीवर नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, ये वो लीवर नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा हम लोग मैकेनिकल की तरफ चले गए हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा मैकेनिक्स लेवल पे बातें कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हम मशीन की तरफ चले गए, मशीन, ठीक है, मशीन के जो मोशंस होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने हाथों के बारे में, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर आपके फिक्स है, उसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है, देखो आप चिमटे के बारे में बात करो, सब लोगों ने चिमटा देखा है, चिमटा इस तरह से काम करता है ना,
किचन में जो चिमटा होता है यहाँ पर फिक्स है और उसके ये दो चीज़ें जो है ये मूवमेंट कर सकती हैं, ठीक है। ये लीवर कहलाएगा। एक आपकी जो आम है वो भी लीवर कहलाती है। लेमन जिससे आप नींबू निचोड़ते हैं ये भी आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका लीवर कहलाएगा। तो थर्ड प्रकार का जो लीवर नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो अभी इसको कर लो खत्म, मैं आपको लीवर समझा दूंगी अलग से एक सेपरेट क्लास में, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको लीवर समझा दूंगी, परेशान नहीं होना। अगला देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ लीवर। निम्न में से कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लीवर की कैटेगरी में आती ही नहीं है, ठीक है, आती ही नहीं है लीवर की कैटेगरी में। क्रोबार्स, सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है। स्टेयरकेस क्या हो गई इस तरह से करके सीढ़ियाँ, ठीक है। ब्रूम आपको पता है, सीजर्स आपको पता है, भाई हम लोग यहाँ पर कैंची के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताओ आंसर क्या लगता है आप लोगों को? नहीं नहीं अजय, लीवर बोर्ड बच्चा यहाँ नहीं है। लीडर बोर्ड का मजा तो आप सिर्फ प्लस क्लास में ही ले सकते हो, अनअकैडमी के सेशन पे ही ले सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ अनअकैडमी की क्लास को अटेंड करो, क्योंकि अनअकैडमी की जो क्लास होती है ना, जो आपकी अनअकैडमी ऐप पर क्लास होती है, उसमें हम लीडर बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। पता चल जाता है किसकी क्या रैंकिंग चल रही है। हम उसमें पोल का यूज़ कर सकते हैं कि आप पोल के हिसाब से आंसर बताओगे तो पता चल जाएगा कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया। वेल, अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्रोबार है, सीजर्स है या ब्रूम है। देखो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनका यूज़ हम तब करते हैं हमें मोशन चाहिए। भाई हम सीजर्स का यूज़ करेंगे तो हमें हाथ चलाना पड़ेगा, हम झाड़ू लगाएंगे, ब्रूम का यूज़ करेंगे तो भी हमें हाथ चलाना पड़ेगा, हम क्रोबार्स का यूज़ करते हैं तो भी हमें हाथ चलाना पड़ता है। लेकिन स्टेयरकेस जो है, सीढ़ियाँ, क्या उसमें कोई मोशन होता है? नहीं ना। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो डी है स्टेयरकेस, ये किसी भी प्रकार के लीवर की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर, और शायद ये आपको अच्छा लगेगा। बोला गया है व्हाट लिक्विड इज यूज्ड इन अ एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर जो होता है उसमें हम किस लिक्विड का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनेरॉइड बैरोमीटर में हम लोग किस लिक्विड का यूज करते हैं, आंसर क्या होगा, ट्राई करेंगे आप लोग। बैरोमीटर है एनेरॉइड प्रकार का, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर बहुत बहुत प्रकार के होते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो दोस्तों कौन सा लिक्विड इसमें यूज करेंगे, मतलब कौन सा लिक्विड है जो रीडिंग देने का काम करेगा? मरकरी, वाटर, अल्कोहल या नो लिक्विड इज यूज। कोई भी लिक्विड इसमें यूज नहीं करा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सोच कर, ए बी सी या डी। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैम ने क्वेश्चन चेंज कर दिए आप लोगों के लिए। अब थोड़ा सा हम हटके क्वेश्चन करने वाले हैं। सबको लीवर सबको मरकरी लग रहा है, मरकरी। चिंटू भी हमारी क्लास में, वाओ। और जीतू कश्यप, राजमीना, एम, राजीव, फरहान। गाइज एक थोड़ा सा इसके नाम पे ध्यान दोगे आप लोग, नाम क्या है? एनेरॉइड। एनेरॉइड का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है आपका एयर से। तो ये एक ऐसा बैरोमीटर है जिसमें रीडिंग कोई भी लिक्विड नहीं देता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नो लिक्विड इज यूज, किसी भी प्रकार का कोई द्रव यूज नहीं करा जाएगा, राइट। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जब तक शेयर नहीं करोगे गाइस मजा नहीं आएगा, है ना, मजा नहीं आएगा सेशन को करने में। मजा तभी आता जब कम से कम 100 क्रॉस हो जाए और कम से कम आपका 3 न्यूमेरिक वैल्यू में चलता रहे ना, तब मजा आता है। अभी मजा नहीं आ रहा, अभी ऐसा लग रहा है सब कुछ ठंडा सा मामला है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, थोड़ा एनर्जी लाओ, सेशन में मजा आएगा, राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, देखते हैं ये क्या पूछता है आपसे। देखिए क्वेश्चन, बोला गया है बर्नौली की थ्योरम किस राशि के कंजर्वेशन पे काम करती है। बर्नौली थ्योरम फॉलोज फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके संरक्षण के नियम पर आपका बनाया गया है बर्नौली का थ्योरम। आंसर बताइए ऊर्जा, मास, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग बोला गया है या फिर संवेग होगा,
द्रव्यमान होगा या ऊर्जा होगा? ट्राई करिए गाइस, आंसर क्या होगा? सभी लोग ट्राई करेंगे। बर्नौली थ्योरम जो है ये किस बेसिस पे दी गई है, किस बेस पे दी गई है? हाँ जी, बर्नौली थ्योरम किस पे दी गई है? देखो ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे पास कोई द्रव है, ठीक है, हमारे पास कोई द्रव है और ये जो द्रव है बच्चा, ये द्रव अगर किसी भी आपके पाइप में बहता है, ठीक है, मान लो यहाँ से आपका द्रव इन हो रहा है और यहाँ से आपका द्रव आउट हो रहा है, तो ध्यान रखना जितना द्रव अंदर गया है, जितना द्रव बाहर गया है, इन दोनों का जो ऊर्जा है, क्या इन दोनों की जो ऊर्जा है वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए। कौन कौन सी ऊर्जा? सारी ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा, ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी साथ में रहता है मतलब दाब ऊर्जा। तो बर्नौली थ्योरम किसके लिए है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है और प्रेशर एनर्जी जो है, ठीक है, गतिज स्थितिज और दाब ऊर्जा, ये हमेशा आपकी कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, इनका जो योग है हमेशा समान होना चाहिए, पाइप के अंदर आते हुए और पाइप से बाहर जाते हुए भी। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों ने दिया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है इस चैप्टर में से। हर एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन करा दूँ। जो ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रही हूँ मैं, और जो ऐसे ही हैं थोड़े बहुत हैं जो करा देने चाहिए, मतलब इनकेस अगर पूछे जाते हैं तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो बर्नौली काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बोला गया है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स इज रेफर्ड एज। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर रहेगा। आकर्षण का बल, ठीक है, आकर्षण बल लग रहा है किसके बीच में? अनलाइक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कण हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक से नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, कंसीव, एडहेसिव या सरफेस टेंशन? करिए ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ए बी सी या डी? दामोदर अभिषेक सबसे ज्यादा आंसर दिए, वेरी गुड। ए बी सी या डी ट्राई करिए। मोहित, चंद्रा, अजय, चिंटू, आज क्वेश्चंस बहुत गलत जा रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी सीखोगे ना, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कब? अगर सोचो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराती ना जो आप लोगों को पहले से आते हैं, कोई फायदा होगा क्लास कराने का? कुछ सीखोगे नया? कुछ नहीं सीखोगे, फिर क्या फायदा होगा? फिर तो आप बैठ के पढ़ ही सकते हो, फिर मेरा कोई फायदा नहीं ना आने का यहाँ। तो कुछ नया सीखेंगे? ए बी सी या डी? तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो एक लकड़ी है उसके मॉलिक्यूल्स और यहाँ कोई धातु है, ठीक है, अगर हमें इसको आपस में पेस्ट करना तो हम क्या कर सकते हैं भाई? फेविकॉल का जोड़, है ना, एडवर्टाइजमेंट करती है ना इतना अच्छा गाने के साथ में, करीना कपूर खान, तो फेविकॉल हम यूज कर सकते हैं इसको जोड़ने के लिए। तो बच्चा फेविकॉल क्या है? फेविकॉल आपका एडहेसिव कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, ठीक है। अगर अनलाइक है तो एडहेसिव, और अगर लाइक फोर्सेस होते, एक से होते, एक ही पदार्थ के, तो ये कहलाता कोहेसिव। डन, सभी लोगों ने मार्क किया, वेरी गुड। चलिए भाई अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये बताइए, एक और मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, तो आपके तो मजे आ गए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, तो इस बार एक से पदार्थ के बीच में, एक पदार्थ के समान कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? डिफ्यूजन, कोहेसिव,
adhesive या surface tension. करिए try. A, B, C या D. Yes. मोहित चंद्रा सही कह रहे हैं, जो फेविकॉल का बॉक्स लाते हैं उसको लिखा होता है दैट इट इज एडहेसिव, है ना, एडहेसिव एजेंट लिखा होता है. तो फेविकॉल से अच्छा कुछ यहाँ पर एग्जांपल नहीं है. देखो एएम को समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बात करती हूँ शहद के बारे में, दोस्तों शहद के जो भी कण हैं वो आपस में इतने ज़्यादा गाढ़ा क्यों है शहद, क्योंकि इसके जो कण हैं उनमें आपस में ही ना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं कोहेसिव. सिर्फ शहद के बीच में लग रहा है, शहद के कणों के बीच में, तो शहद के सारे कण एक से होंगे ना, लाइक होंगे. और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि लकड़ी है और मेटल है, लकड़ी के कण अलग होंगे, धातु के कण अलग होंगे. तो दोस्तों लकड़ी और धातु को अगर मैं जोड़ना चाह रही हूँ, अटैच करना चाह रही हूँ, तो मुझे फेविकॉल चाहिए. तो अलग अलग कणों को जोड़ने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो है आपका एडहेसिव. चलो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कहता है, कोहेशन इज, कोहेशन कैसा है, सॉलिड में सबसे अधिक है, लिक्विड में सबसे अधिक है, गैसेस में सबसे अधिक है, या फिर गैसेस में सबसे कम है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और मुझे बताओ आंसर क्या होगा. ए बी सी या डी, कोहेशन किस में सबसे अधिक है, ए बी सी या डी. प्रतिकरण, ओके. जसवीर चहर, सचिन, अभिषेक, रंगा, अनुराग, एम, राहीश, पटेल, आई एम सिंह. आंसर बताते रहो, ए बी सी आर डी. देखो आंसर्स करते रहो, बिना आंसर्स के बातचीत करोगे तो कोई फायदा नहीं है. आंसर्स करते रहो, बातचीत करते रहो, सब सही होता है, लेकिन आंसर जरूर करो. ये बीच में बायोलॉजी कहां से आ गई. क्या कह रहे हैं नीतरज, लिक्विड में मैक्सिमम होगा, सोच लो लिक्विड में मैक्सिमम है या उससे भी ज्यादा किसी और में है. रंजीत कहते हैं नहीं मैम मैक्सिमम होगा सॉलिड में, एक को लॉक कर दूं. अनुराग, रजिया बानो, अगर आपको कांस्टेबल के लिए पढ़ना है क्लास तो बिल्कुल पढ़े, बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी. ठीक है, देखो लिक्विड में अधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे अधिक होता है, और सबसे अधिक होता है सॉलिड्स में. यही वजह है कि सॉलिड बिल्कुल ठोस होता है. भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने देखे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, इनके बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं. सही है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड. ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका यहाँ रहेगा धातु यानी कि मेटल या फिर सॉलिड. तो कोहेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आपका द्रवों में लगेगा, वही ठोस में भी लग सकता है. अगला देखिए, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन एरोप्लेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. देखो अगर किसी भी एरोप्लेन के बारे में बात करें तो एरोप्लेन जो जब जा रहा है, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे, बर्नौली प्रिंसिपल पे, पास्टल के नियम पे या बॉयल नियम पे. इन शॉर्ट आपसे वो ये पूछ रहा है कि एरोप्लेन उड़ता है तो किस सिद्धांत पे उड़ता है, क्या वजह है कि एरोप्लेन उड़ पाता है जबकि इतने सारे उसमें पैसेंजर भी बैठे हैं, उसका खुद का वेट भी है ना, फिर भी वो उड़ पा रहा है, क्या रीजन हो सकता है बताओ, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है एरोप्लेन. ए बी सी या डी, देखो ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैम आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा, कोई कहता है कि नहीं मैम ऑप्शन नंबर बर्नौली हो सकता है, और बहुत समय कहता है कि ए और सी दोनों हो सकते हैं, क्या दोनों को मार्क कर दें, ऐसा तो हो नहीं सकता. देखो आपका आंसर रहेगा या बर्नौली, बर्नौली प्रमेय के ऊपर आपका काम करना है. ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय की वजह से ही आपका अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके उड़ने से पहले और उड़ने के बाद की जो एनर्जीज है ना वो बराबर हैं. ठीक है, वो बराबर हैं क्योंकि प्लेन आपका उड़ भी रहा है, तो प्लेन उड़ते समय अपनी स्थिति बदल रहा है और मोशन भी कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी है और उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है,
और वो वातावरण में उड़ रहा है ना, वायुमंडल में, तो उस पर दाब ऊर्जा भी लग रही है। क्लियर है? डन? ओके, आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्नौली प्रमेय तो आपको हो गया समझ में। यहाँ बात करेंगे इसी सुई के बारे में। हमारे पास एक निडल है, छोटी सी निडल है, ठीक है। ये फ्लोट कर रही है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर अवे ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ एल्कोहल टू द साइड ऑफ मूव्स देन द निडल बिकॉज ऑफ। देखो क्या हुआ कि पानी की सतह पर आपकी कोई भी निडल पहले तैर रही थी। पानी है, हमने कोई निडल डाली और ये पहले तैर रही थी पानी की सतह पर। फिर हमने अगर उसमें छोटे से कुछ ड्रॉप एल्कोहल के डाल दिए पानी के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी आपने कुछ ड्रॉप एल्कोहल के डाल दिए, तो ये जो सुई है ना, ये बीच से हटके साइड में चली जाती है, इस बीकर के साइड में जाकर यहाँ पर लग जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? एल्कोहल सरफेस टेंशन कम रखता है या ज़्यादा रखता है? एल्कोहल की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करके देखो आंसर क्या रहेगा। कंडीशन समझ गए? पहले पानी का बीकर है, इसमें हमने एक निडल डाली है, सुई डाली, सुई पहले आराम से फ्लोट कर रही है, पर जैसे ही आपने हल्का सा एल्कोहल लिया और एल्कोहल को आपने पानी में मिला दिया, जो सुई थी वो साइड, वो बीच में से हट के थोड़ा थोड़ा साइड मार के आपके कहाँ लग जाएगी? बीकर के किनारे पर लग जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है ये बताओ, ए बी सी या डी। एंड गाइस कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयर, ठीक है ना, लाइक शेयर करते रहना। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो लाइक शेयर करते रहो जल्दी जल्दी। क्या रहेगा आंसर, ए बी सी या डी? बी को लॉक कर दें, बी को लॉक कर दें। अच्छा देखो आपका जो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ए बी सी और डी में से, ये आपका रहेगा यहाँ पर ए। एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल की सरफेस टेंशन कम होती है पानी के कंपैरिजन में, ठीक है, इसलिए एल्कोहल एक जगह नहीं रहता, ज़्यादा फैल जाएगा। जैसे ज़्यादा फैलेगा सुई को भी अपने साइड में लेके चला जाएगा, साइड में। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हो गया आपका क्लियर। चलो अगला देखो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड्स ऑन, जो संपर्क कोण बनता है, जो स्पर्श कोण बनता है, ये किस पर निर्भर करता है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कहते हैं स्पर्श कोण। याद है स्पर्श कोण है ना, ये किस पर निर्भर करता है? देखो हम बात करते हैं अगर किसी भी बीकर में रखे हुए फ्लूड के बारे में, ठीक है, फ्लूड है दोस्तों, अगर मैंने इसके अंदर कोई परख नली डाल दी है, अब आपको पता है परख नली के अंदर पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा, मान लो राइज कर गया इतना, ठीक है, यहाँ तक पानी पहुँच गया। अब ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, या तो ऐसे बन सकता है, या फिर ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपका इस तरीके से बन सकता है। मतलब दो तरीके हैं, या तो बनेगा कॉन्केव शेप में यानी कि अवतल आकार का लेकर, या बनेगा कॉन्वेक्स में यानी कि उत्तल आकार का। तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल किस पे डिपेंड करता है कि लिक्विड किस प्रकार का है या फिर सॉलिड किस प्रकार का है, जिसकी ट्यूब बनी है वो ट्यूब किस चीज़ की बनी है, या मटेरियल जो है ये आपका कितना एग्जिस्ट करेगा, या फिर सारा आपका हो सकता है ए बी सी या डी, सभी ठीक है। बताओ किस पे डिपेंड करने वाला है आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट? और अनुराग ने मुझे आंसर भी दे दिया, काफ़ी लोगों ने आंसर दे दिया, ऑल ऑफ द अबव। सुनील टंडन, वेरी गुड गाइज, आपका ऑप्शन ना रहेगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ये है डी, इट्स नॉट ए, इट्स डी, डी रहेगा, ऑल द अबव, क्योंकि ये सभी पर निर्भर करेगा किस प्रकार का लिक्विड है, पानी है, मरकरी है या अल्कोहल है, ठीक है, परखने लिए किस चीज़ की है, लोहे की है, एल्यूमिनियम की है या कांच की बनी हुई है, और मटेरियल जो है ये आपका फ्री स्पेस के बाद कहाँ पर लाई करने वाला है। ऑल गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, एक ग्लास ट्यूब आपके पास है, कांच की ट्यूब है, ठीक है, ये कांच की ट्यूब गर्म करने पर इजीली बेंट हो जाती है। भाई कांच की ट्यूब है, गर्म करोगे तो आराम से बेंट हो जाएगी, मतलब आराम से मुड़ जाएगी। अभी सीधी है, इस तरह से स्ट्रेट है, आपने इसको गर्म किया, ये आराम से बेंट हो सकती है, मान लो ऐसी हो गई, ठीक है, हल्की सी तिरछी हो गई, मुड़ गई। अब बोला गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गर्म करने पर ये ट्यूब बेंट हो जाती है, क्योंकि गर्म करने पर जो ग्लास है, जो कांच है, ये ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है या कम प्लास्टिक होता है, ये ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा, सोचोगे तो पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ अपना आकार क्यों बदल रही है। जब भी कोई चीज़ अपना आकार बदलती है, क्यों बदलती है?
बीट्स ऑफ पंजाबी मनीष, राज मीना, अतुल, जयपाल, शिव शक्ति, सुनील टंडन सिंह, नीलम बाचले, सूरज एंड जसवीर, सरोज, रंगा, सब लोग ट्राई करेंगे। अलका, राकेश शर्मा, जीतू, राहुल, रंगा, गाइस सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो, आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से प्रैक्टिस कर लो। और दोस्तों, सेशन क्यों कराया जाता है, देखो हम चाहें तो आपको वीक में 2 या 3 दिन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन रोज़ हमको क्यों पढ़ाना है, रोज़ क्लास क्यों करानी ज़रूरी, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट आपका 1 घंटे यहाँ प्रैक्टिस तो हो जाता है ना, आप चाहे ना चाहें कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, कुछ तो यहाँ जाता ही है। तो इसलिए डेली बेसिस पे क्लास अटेंड किया करो, है ना। और अनुराग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार ऐसा केमिस्ट्री लैब में किया था बात सही है, केमिस्ट्री लैब में यही काम करते हैं सब लोग, है ना। मतलब जितना चार्जेस स्कूल या कॉलेज वाले लेते हैं ना बच्चों से, बच्चे सारा पैसा वसूल लेते हैं कि भाई इतना पैसा लिया तो अब तो हम बहुत मस्ती करके जाएंगे केमिस्ट्री लैब में। सीखते भी हैं कुछ लोग नहीं भी सीखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखना। पहली बात तो जिन लोगों ने मुझे इलास्टिक बताया, दोस्तों इलास्टिक सोचो, अगर इलास्टिक होता तो क्या ग्लास की जो वो ट्यूब है अपना आकार बदलती, क्योंकि इलास्टिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो फोर्स लगाने पर तो आकार बदल देती हैं, लेकिन अगर फोर्स हटा दो तो पहले वाले आकार को रीगेन कर लेती हैं, रीगेन। तो ये बताओ क्या ये पहले जैसा हो गया, नहीं हुआ, इलास्टिक नहीं हो सकता है, एट एनी कॉस्ट इलास्टिक नहीं होगा। अगर ये ब्रिटल होता तो ये क्षणभंगुर होता और ये टूट जाता, लेकिन टूटी नहीं, तो ये भी गलत है, ये होगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ कैंडिडेट ने मुझे बताया कि मैम प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक आपका रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक होने का मतलब है गर्म करने पर आप उसे जैसा आकार दो दोगे ना, ठंडा करने पर भी वो आकार वैसा ही रहेगा। भाई ठंडा करने पर कौन सा आपकी ट्यूब पहले जैसी सीधी हो जाएगी, नहीं होगी। आप ट्राई करके देख लेना, आप प्लास्टिक के बारे में बात कर लो, अगर मैं इस बॉटल को गर्म करा दूँ आकार बदल जाएगा इसका, आकार बदलने के बाद में भले मैं इसको कितना भी ठंडा कर लूँ, क्या ये बॉटल पहले जैसी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो ऐसा याद रखो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि इलास्टिक लगाओगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, राइट। रंगा, बीरेंद्र, राहीश, क्लियर हो गया। नीरज, जो आप पानी में अल्कोहल वाली बात कर रहे हो ना, तो हाँ थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पहले आपका जो निडल है वो साइड में जाएगा, फिर ज्यादा देर अगर आप उसको रखोगे तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा, बात सही है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम है। हिमांशु, क्लियर हो गया, क्योंकि वहां परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका प्लेस लेता है, ठीक है, होता है, चलिए गुड। अगला देखिए क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत मजेदार था। ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड इज इनक्लोज्ड बिटवीन टू ग्लास प्लेट। समझो, देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, आपके पास कांच की दो प्लेट है, कैसी प्लेट, नॉर्मल प्लेट, वो वाली प्लेट नहीं जिसमें खाना खाते हैं, वो प्लेट की बात नहीं कर रही हूँ। केमिस्ट्री लैब में पहुंच जाओ तो आपके पास दो प्लेट है इस तरह से करके, ठीक है, एक कांच की प्लेट नीचे रखी है, एक कांच की आपकी पतली सी प्लेट ऊपर रखी है, इनके बीच में यहाँ पर ना आपकी एक फिल्म बन रही है। फिल्म का मतलब समझ रहे हो, हम मूवी नहीं, फिल्म बनने का मतलब है कोई लिक्विड की फिल्म बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर बोला गया इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द प्लेट ऑन अकाउंट ऑफ, तो मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि दो प्लेट्स के बीच में पानी है या फिर कोई लिक्विड है तो वो चिपक जाता है, होता है। तो आप अगर आप उन्हें बिल्कुल ऐसे हटाना चाहो तो तुरंत हट नहीं पाते, थोड़ी देर में हटेंगे, एकदम से नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटते हैं, उनके बीच में ऐसा क्या हो जाता है, उस फिल्म के बनने की वजह से विस्कोसिटी हो जाती है, फ्रिक्शन हो जाता है, सरफेस टेंशन हो जाता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो काम करने लगता है, ये बताओ क्या लगता है उनके बीच में ऐसा क्यों हो जाता है, बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं मैम सी होगा। अनुराग, सुनील, सरोज, क्या बात है सरोज, आंसर बताया, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन तो काफी ट्रिकी था। राज, रंजीत, रंगा, भीम, घोष, मोहित, मोहित चंद्रा, ओके मैंने पढ़ा मोहित चौहान, रंगा, भीम, रंजीत, ओके गाइस आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस मैं आपको तब आगे कराऊंगी, एक बार आप शेयर करो, जल्दी से एक बार शेयर करोगे तो हम क्वेश्चंस आगे करेंगे कवर।
ये तो क्लियर हो गया ना आपको. देन आप लोग चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और यहाँ पर बोला गया है किसी भी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए किसी भी द्रव का जो लिक्विड है ना, किसी भी द्रव का जो वॉल्यूम है फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू दी नैरो ट्यूब, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब आपके पास कोई पतली सी ट्यूब है, बहुत बारीक सी ट्यूब है और इसके अंदर कोई द्रव बह रहा है, ठीक है. इसके अंदर बहने वाला जो द्रव है दोस्तों उसका वॉल्यूम जो है पर सेकेंड ये किस पर निर्भर करेगा, ये किस पर निर्भर करेगा. तो देखो आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस कैसा है, क्योंकि रेडियस क्या है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का कितना है, ठीक है, या फिर ऑल दी अबव, सारे आंसर हो सकते हैं. तो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. और जब कभी अब हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा सबके बारे में बात होगी कि उसका श्यानता गुणांक क्या है, प्रेशर का डिफरेंस क्या है, रेडियस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर है. चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कराऊं आपको, ये वाला क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है. बोला गया है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है. कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की अवस्था के लिए किसकी अवस्था है, एक फ्लोटिंग बॉडी की, एक बॉडी है, एक वस्तु है जो कि तैरती हुई है. इस फ्लोटिंग का मतलब क्या है, वस्तु तैरती हुई है, फ्लोट कर रही है. तो जब वस्तु तैर रही है उसके संतुलन की अवस्था के लिए क्या रिलेट करेगा, कि वस्तु का जो भार है वो बराबर रहेगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उससे, या फिर सेंटर ऑफ बयोन्सी मतलब उत्प्लवन केंद्र और गुरुत्व केंद्र इससे रिलेट करेगा, दोनों से रिलेट करेगा, या नन ऑफ द अबव, निम्न में से कोई भी नहीं. बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी. देखो ध्यान रखना जब कभी मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी ना, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी द्रव में आपकी तैरती हुई वस्तु, ठीक है, द्रव में आपकी तैरती हुई वस्तु दोस्तों इस पर दो ही चीजें काम करती हैं. वो दो चीजें कौन सी हैं, वो दो चीजें हैं आपकी सेंटर ऑफ बयोन्सी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है. सेंटर ऑफ बयोन्सी को हम बोलते हैं बी, ये सेंटर ऑफ बयोन्सी है और ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी. तो बी और जी में क्या फर्क है, हमेशा जो जी है ना ये जी आपका ऊपर और बी आपका थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है. जी थोड़ा ऊपर और बी आपका नीचे होना चाहिए, तो इसको जी भी याद रखिएगा, ठीक है. लेकिन होना चाहिए एक ही वर्टिकल लाइन पे, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर. तो ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों ने मार्क किया है, काफी कम लोगों ने मार्क किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए हम लोगों ने मार्क कर दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को. इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन बताओ, एक हमारे पास बीकर है, ये रहा बीकर, ठीक है, ये रहा बीकर, इस बीकर के अंदर है भरा हुआ पानी, ये रहा पानी. अब आपसे बोला गया है, आपसे बोला गया है एक बर्फ का टुकड़ा है, अ पीस ऑफ आइस जो पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, वो कम्प्लीटली अगर पिघल जाए, भाई इस पानी के ऊपर कोई बर्फ का टुकड़ा है जो आपका तैर रहा है दोस्तों, अगर ये पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है, तो पानी का जो लेवल है इस बीकर के अंदर, क्या ये लेवल जो है इस पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या ये राइज करेगा, क्या ये फॉल करेगा, क्या ये सेम रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं होगा. सोचो, यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर आपका ठंडा पानी है और इस ठंडे पानी में आप लोगों ने इसको और ठंडा करने के लिए कुछ आइस के टुकड़े डाल दिए. अगर आइस के टुकड़े पूरी तरीके से पिघल जाते हैं तो इस ग्लास के अंदर का जो पानी का लेवल है क्या ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा या नन, बताइए. और बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, सबका आंसर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा. तो दोनों कंडीशंस याद रखेंगे आप लोग, बीकर वाली भी और ग्लास वाली भी, डन, बीकर वाली भी और ग्लास वाली भी, है ना. देखो मोहित कहते हैं कि मैम अगर बर्फ में आयरन नेल हो तो क्या होगा, मतलब बर्फ का जो टुकड़ा उसके अंदर अगर कील भी है तो क्या होगा, तो आपका लेवल बढ़ेगा या घटेगा, आप खुद सोचो भाई, बताओ. जो पानी से हल्के द्रवों को नापने के काम आएगा, मतलब कोई भी ऐसा द्रव है जो पानी से हल्का है और उसकी डेंसिटी नापनी है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यूनिवर्सल हाइड्रोमीटर, बीम हाइड्रोमीटर,
ट्वेडल हाइड्रोमीटर या ऑल ऑफ द अबव? ये बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके आज के सेशन का, जहाँ पर आपसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, क्योंकि आप सभी को जानकारी होनी चाहिए यंत्र के बारे में, बहुत सारे यंत्र के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यंत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तंत्र मत याद रखना, तंत्र का कोई काम नहीं है, यंत्र काम आएंगे, आपका प्रैक्टिस काम आएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बताइए कौन सा सही रहेगा, यूनिवर्सल बीम, ट्वेडल या नन ऑफ द अबव? हाँ जी देखो, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी के बाद सी, ट्वेडल हाइड्रोमीटर, ठीक है। ट्वेडल हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हाइड्रोमीटर बेसिकली याद रखना आपका हमेशा डेंसिटी को नापने के काम आएगा, किसी भी द्रव की डेंसिटी, और ऐसा द्रव जिसकी जिसका घनत्व पानी से कम होता है। पानी का घनत्व पता है आपको कितना होता है? अगर मैं पानी के बारे में बात करूँ, पानी का घनत्व होता है आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जिसका भी 1000 से कम होगा उन सभी को हम लोग ट्वेडल हाइड्रोमीटर के द्वारा नापेंगे, डन। चलिए, इतना आपको क्लियर हो गया। तो गाइज मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ आपके होमवर्क के, ये आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। एक शिप को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, एक जहाज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, इसको ट्राई करके देखिएगा। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जहाँ पर पूछा गया है कि आपके पास एक वस्तु का भार दिया है, पानी में उसका भार दिया है और ऑयल में भार दिया है, पूछा गया है उसका विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो उसको ट्राई करके देखना, कल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये आपके होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन है, और ये एक अंडे के ऊपर क्वेश्चन है, फ्रेश एग के ऊपर, अंडे के ऊपर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, दिमाग लगा के आना थोड़ा सा कि क्या आंसर आपको लगता है, ठीक है। अच्छा, क्लियर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको बता दूं कि आप लोग मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं नेहा मैम के नाम से, और क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री हैं, और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YT नेहा। इसी के साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हाइड्रो और हाइग्रो में क्या फ़र्क है। देखो, अगर हाइड्रोमीटर पूछा है, HYDRO, हाइड्रो, दोस्तों हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पानी आपका डिफाइन कराएगा डेंसिटी को नापने के, ठीक है, इससे हम लोग डेंसिटी नापेंगे। और जहाँ पर हाइग्रो लिखा होता है, हाइग्रो, इस हाइग्रो का मतलब क्या है? हाइग्रो का मतलब होता है आपका ह्यूमिडिटी से, मतलब आपकी नमी। तो एक काम करते हैं ना, अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आती हूँ कल के सेशन में, जहाँ पर हम सिर्फ यंत्र के बारे में बात करेंगे, कैसा रहेगा, सही है ना। तो कल के सेशन में मैं आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नीरज, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर नमी नापनी होगी तो हम हाइग्रोमीटर यूज करेंगे। सो गाइज, कल बिल्कुल रेडी रहिएगा, कल के सेशन में इन तीन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, तो इन्हें एक बार जरूर करके आइएगा। और कल के सेशन में मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, यंत्र वाले क्वेश्चन, ठीक है, कल कराऊं या बाद में कराऊं, चलो देखेंगे, सही है। तो आपको क्लासेस बता दूं फिर से, आप लोग अनअकैडमी को मुझे फॉलो कर सकते हैं नेहा मैम के नाम से, क्लासेस मेरी यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, और सारी क्लासेस अनअकैडमी पर हैं, बिल्कुल फ्री हैं, या आपकी यूट्यूब की क्लासेस हैं, आप इन्हें भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वीकेंड पे आपको मिलने वाली मैं वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पर, तो आप उसे बिल्कुल अच्छे से अटेंड कीजिएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोगों ने सेशन इन्जॉय किया होगा, आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर नया सीखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं है, लाइक करके जाना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना वो सभी कैंडिडेट जो आज नए थे मेरी क्लास में। अपन लोग कल फिर से मिलेंगे नए सेशन के लिए, और टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज, सी यू सून, बाय बाय।